बीच में मत बोलना कोई भी। यस बेटा, हमने पहली कक्षा में, इससे पहले की कक्षा में, जूझ पाठ का सार किया कि जूझ वितान पुस्तक का जूझ पाठ, और इसके लेखक हैं आनंद यादव। और सारी कहानी आनंद यादव की ही है, उन्होंने अपने लिए ही ये सब कुछ लिखा है जूझ। यहाँ पर जूझ शब्द जो है उसका सबसे पहले हमें अर्थ जानने की जरूरत है। जूझ का अर्थ है, यस दुष्यंत बताओ बेटा, जूझ का क्या अर्थ है? संघर्ष, संघर्ष। जूझना, परिश्रम करना, संघर्ष करना, किसी भी काम के लिए जूझना, संघर्ष करना। अगर हम किसी भी काम के लिए जूझ रखते हैं अपने अंदर, संघर्ष करने की हिम्मत रखते हैं, आदत रखते हैं, तो हम जरूर सफल हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर लेखक आनंद यादव के साथ में हुआ कि उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितना जूझा, किसके लिए? पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ, उसके बाद भी हम ये जो प्रश्न लिखे हुए वहां तक आएंगे कि कौन उनको, लेखक को, आनंद यादव को पाठशाला जाने से कौन रोक रहा था? लेखक आनंद यादव को पाठशाला जाने से कौन रोकता था? यस आंचल। के पिता उनको पाठशाला उनके जाने से पिता रोकते थे। क्यों रोकते थे? उनके पिता पाठशाला जाने से क्यों रोकते जिससे थे? वे दक्ष आप खेती बाड़ी, बताइए, दक्ष दक्ष बताएंगे। आनंद यादव के पिता पाठशाला जाने से क्यों रोकते थे? दक्ष आप सुन रहे हो मेरी आवाज? यस मैम, मैं बोलो बेटा आंसर। भी आया हूँ, मैंने सुना था अभी। आनंद यादव के पिता उनको पाठशाला जाने से क्यों रोकते थे? यस गर्व आप बताइए। यस मैम, मैम उनके पिता उन्हें पाठशाला जाने से इसलिए रोकते थे क्योंकि क्योंकि वह काम उनके पिता जो थे वो कामचोर थे तथा उन्हें काम करना पसंद नहीं था। वह चाहते थे कि उनके बेटे ही उनके हिस्से के सारे काम करते, जैसे खेतों में जाए और जोते वगैरह वगैरह। यस खेतों में काम वो सारा उसी से करवाते थे, खुद वो अपनी आजादी में खलल नहीं डालना चाहते थे। और लेकिन उसके दिल की इच्छा को कौन जान पाया? उसने अपने दिल की बात किससे की? यस आंचल। लेखक ने अपने दिल की बात अपने माता जी से की। हाँ, अपनी माता से की। तो उन्होंने, दोनों ने, उनकी माता ने, आनंद यादव की माँ ने, और आनंद ने, दोनों ने क्या योजना बनाई? यस साधिका, दोनों ने क्या योजना बनाई कि किसी प्रकार से उनके पिता मान जाए पढ़ाने के लिए? यस साधिका, वे दत्ता जी राव के पास गए क्योंकि दत्ता जी राव की बात उनके पिताजी अवश्य मानते हैं। तो उसकी माँ और उन्होंने ये योजना बनाई कि वे दत्ता जी राव के पास जाएंगे और उनसे ये बात कहेंगे। उनसे ये बात कहेंगे तो उनकी जो बात है वो हमारे जो उसके पिता हैं वो जरूर मान लेंगे, क्योंकि उनके साथ में उनके ऐसे क्या थे, संबंध थे, ऐसे अच्छे संबंध थे। यस तो जिस समय उसको पढ़ाई से रोका गया था उस समय आनंद यादव कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? जिस समय पढ़ाई से उनके पिता ने रोका था तो उस समय आनंद यादव कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? यस साधिका, 5वीं कक्षा। यस वेरी गुड, 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। अब जब वो दोबारा पढ़ने लगे, पिता
जब उनके आना जब दत्ता राव जी ने उनकी पढ़ाई के बारे में दोबारा से चर्चा की, पिता से बात की और पिता ने जाने के लिए पिता मान गए, तो उस समय वो कौन सी कक्षा में पढ़ने लगे? गर्व मैम पांचवी में। दोबारा से पांचवी में पढ़ने लगे। जब वो पांचवी कक्षा में पढ़ने लगे तो उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? यस, एक आध आंसर कोई नहीं बता सकता? ये पांचवी कक्षा में पढ़ने लगे तो उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ये श्रेया, बोलो घर। मैम जब वो दोबारा पांचवी कक्षा पढ़ने लगे तो उन्हें अधिक कठिनाई सामना पड़ना पड़ा। जैसे जो लड़के जो चौथी पास करके आए थे वह लेखक के साथ जो पढ़े थे, लेखक के साथ ही पढ़ते थे, उनको लेखक जानते तक नहीं थे, परंतु जिन लड़कों को वह अपने अकल से छोटा मानते थे तथा उनके साथ उसे बैठना पड़ रहा था, और वह अपने वो पुराने विद्यार्थी होकर भी उन्हें बिल्कुल ऐसे बैठना पड़ रहा था कि जैसे वह अभी अभी नए विद्यार्थी हैं। यस, वेरी गुड बेटा। यस, चलिए अब हम यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं एक एक। यस दुष्यंत, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड आउट करिए। दुष्यंत। यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, यहाँ लिखा हुआ। जूझ के लेखक के मन में विश्वास कब और कैसे जन्मा कि वह भी कविता की रचना कर सकता है? जूझ के लेखक के मन में विश्वास कब और कैसे जागा या जन्मा कि वह कविता की रचना कर सकता है? अब देखो यहाँ पर ये सीधा ये नहीं कहा कि आनंद यादव जूझ के लेखक, अब आपसे ये जो भी प्रश्न कर रहा है वो पूछना चाहता है कि जूझ के लेखक कौन है? जूझ के लेखक आनंद यादव, उनके मन में विश्वास कब और कैसे जागा कि वह कविता की रचना कर सकते हैं? लेखक के मन में ये विश्वास तब जागा जब लेखक की पाठशाला में, लेखक आनंद यादव की पाठशाला में मराठी भाषा के जो अध्यापक थे न बास सौंद लगेकर कविता के बहुत ही अच्छे रसिक थे, वो कक्षा में सस्वर जब कविता पाठ कराते थे और लय के साथ कविता बोलते थे गाते थे, उसकी गति का लय का आरोह अवरोह कैसे उसमें ऊपर तक लय जाएगा स्वर जाएगा और कैसे नीचे तक आएगा, ये सब ध्यान रखते थे, इस बात का ज्ञान भी कराते थे, वो खुद ऐसा करते थे और साथ ही बच्चों को भी इस बात का ज्ञान कराते थे। तो ये देखकर लेखक बहुत ही प्रभावित हुए और इससे पहले जब तक वो यहाँ नहीं पढ़े थे इन सर से, इन अध्यापक से, इससे पहले उन्हें कवि जो थे वो दूसरे लोक के जीव लगते थे। सौंद लगेकर ने उसे अन्य कवियों के बारे में भी बताया, बहुत ज्ञान करवाया काव्य पाठ के बारे में, और वो खुद भी कवि थे, वो चाहते थे कि ये भी एक प्रकार से अच्छे तरीके से कवि बने। इसके बाद आनंद यादव को ये विश्वास हो गया कि कवि कोई अलग से नहीं होता इंसान, कोई दूसरे लोक का स्वामी नहीं है, कोई दूसरे लोक का व्यक्ति नहीं है, कवि भी आम आदमी की तरह ही होते हैं और उसी हड्डी और मांस के बने हुए होते हैं। एक बार उसने देखा कि उसके अध्यापक ने अपने घर की मालती लता पर कविता लिख डाली, तो उसने क्या किया, आसपास के दृश्यों पर कविता लिखनी शुरू कर दी। इस प्रकार उसके मन में खुद कविता लिखने की
का विश्वास पैदा हो गया। यस आंचल सेकंड क्वेश्चन आप रीड करिए। पांचवी कक्षा के दोबारा पढ़ने आए लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? यस अब ये इसका आंसर साधिका आप बताओ बेटा। साधिका यस मैम जो आनंद यादव जी को इन इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि जो लड़के चौथी पास करके कक्षा में आए थे, लेखक उनमें से गली के सिर्फ दो लड़कों के सिवाय और किसी को जानता ही नहीं था। जिन लड़कों को वह कम अक्ल और अपने से छोटा समझता था, उन्हीं के साथ अब उसे बैठकर पढ़ना पड़ रहा था। वह अपनी कक्षा में पुराने विद्यार्थी होकर भी अजनबी बनकर रह गया। पुराने सहपाठी तो उसे सब तरह से जानते समझते थे, मगर नए लड़के ना तो उसकी धोती, उसका गमछा, उसका थैला आदि सब चीजों का मजाक उड़ाना आरंभ कर दिया था। उसके मन में यह दुख भी था कि इतनी कोशिश करने करके पढ़ने का अवसर भी मिला तब भी आत्मविश्वास से भी कमी आ गई। हाँ, जब उसको वो बच्चे परेशान करते थे तो उस समय उसके आत्मविश्वास में कुछ कमी आ रही थी। पहली बात तो उसको खुद ही शर्म आती थी कि पुराने साथियों के साथ में जाकर वो पढ़ रहा है और उसी पुरानी कक्षा में पढ़ रहा है, पुरानी किताबें हैं उसकी, उसको खुद भी शर्म आती थी। लेकिन जो बच्चे थे वो भी उसका मजाक उड़ाते थे तो उसके अंदर कुछ आत्मविश्वास की भी कमी आने लग गई थी। उस समय उसने अपने आप को संभाला और उन कठिनाइयों का बड़ी हिम्मत से सामना किया। बालक आनंद यादव के पिता ने किन शर्तों पर उसे विद्यालय जाने दिया? यस दुष्यंत आप बताइए, बालक आनंद यादव के पिता ने किन शर्तों पर उसे विद्यालय जाने दिया? बोलो दुष्यंत। उनके पिता ने क्या क्या शर्तें रखी थी जब उनको उनके दत्ता राव जी ने पढ़ने के लिए कह दिया, तो पिता ने क्या क्या शर्तें रखी? उन्होंने कहा था कि पाठशाला जाने से पहले 11 बजे तक खेत में काम करना होगा तथा पानी लगाना होगा और सवेरे खेत पर जाते समय ही बस बस्ता लेकर जाना होगा। छुट्टी होने के बाद घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना होगा। अगर चराना होगा, यस यस ढोर चराना होगा, इसका क्या अर्थ है? ढोर पशु, पशुओं को चराना होगा, ठीक है? ढोर का मतलब पशु। यस अगर किसी दिन खेत में ज्यादा काम होगा तो उसे पाठशाला नहीं जाना होगा, तो उस दिन उसे छुट्टी भी करनी होगी। तो उसने, आनंद यादव ने ये सारी शर्तें स्वीकार की या मना कर दिया? यस आनंद यादव ने ये सारी शर्तें, अपने पिता की शर्तें स्वीकार की या मना कर दिया, कुछ जवाब दिया? मैंने स्वीकार कर ली थी। स्वीकार कर ली। और अगर कोई आज का बच्चा हो तो वो क्या कहेगा? अच्छा, अगर यही काम करना है तो मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि हम तो माता पिता के ऊपर एहसान करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं। लेकिन आनंद यादव के अंदर जूझ थी पढ़ने, इसलिए उसने सब कुछ स्वीकार किया, भले ही कैसे भी उसको पढ़ना पड़े। उसको पढ़ने के लिए उसने संघर्ष किया, जूझा, मेहनत की, उसने परिश्रम किया। जूझ कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है? जूझ कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? यस बताओ बेटा, जूझ कहानी हमें क्या सिखाती है? आपने ये लेसन पढ़ा, आपने कुछ सीखा भी तो है। हुँ?
बताओ गर्व, जूझ कहानी ने आपको क्या सिखाया? यस मैम, मैम जूझ कहानी से हमें यह पता लगता है कि जो है हमारा जो जब लेखक को पढ़ने का अवसर मिला तो उसने कविता पाठ करने में सबको पीछे छोड़ दिया था, तथा लेखक लेखक जो है वो बहुत मेहनती था और वह बहुत अधिक परिश्रमी था। वह आसानी से गणित के सवाल भी हल कर लेता था, तथा उससे सभी अध्यापक आनंदा कहकर पुकारते थे। उसे उसकी खुद की एक अलग ही पहचान मिल गई थी, तथा उसे तथा वह ऐसे ही अपने अधिक परिश्रम करने से बहुत खुश रहने लग गया था। इसी प्रकार से हमें संदेश क्या मिलता है कि हमें भी क्या करना चाहिए, जुझारूपन होना चाहिए, हमारे अंदर भी जूझने की ताकत होनी चाहिए, संघर्ष करने की आदत होनी चाहिए। अगर हम किसी भी काम के लिए संघर्ष करते हैं, इवन कि इस समय आपका काम सिर्फ पढ़ने का है, आप पढ़ने के लिए संघर्ष करते हो, तो इस समय तो संघर्ष है, लेकिन आगे आने वाले जीवन में आपको क्या करना होगा, बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा, आप बहुत खुश रहोगे, सुखी रहोगे, अगर आप आज संघर्ष करोगे। जो आज संघर्ष नहीं करेंगे वो बाद में पछताएंगे, और जो अब संघर्ष कर रहे हैं वो अपने जीवन में हर प्रकार की खुशी, जीवन में सफलता हर कदम पर पाएंगे। तो यहाँ जैसे लेखक ने क्या किया, लेखक ने देखो बचपन से ही संघर्ष किया, उसने यहाँ जो लेखक है उसने हर कदम पर संघर्ष किया, हर कदम पर वो जूझा है। कैसे, बचपन में स्कूल में दाखिले के लिए उसने संघर्ष किया, फिर कक्षा में जब वो दोबारा से किसी ना किसी तरीके से पिता को मना लिया, पढ़ने लगा, तब उसने संघर्ष किया, बच्चों कक्षा में बच्चों की शरारतों के साथ में उसने संघर्ष किया, फिर स्कूल में खुद को ठहराने के लिए उसने संघर्ष किया, कविताएं लिखने के लिए उसने संघर्ष किया, खेत में काम करने के लिए उसने संघर्ष किया। तो जब वो हर तरीके से संघर्ष कर रहा है तो उसको जरूर जीवन में सफलता मिल रही है। इसी प्रकार हमें भी यही संदेश लेना चाहिए कि हमें भी अपनी जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए, कभी भी हारना नहीं चाहिए। वो ना चाहता तो नहीं पढ़ता, उसके पिता ने हटा दिया था, लेकिन उसने अपने संघर्ष को जारी रखा, तो वो एक दिन कुछ ना कुछ कर पाया। ठीक है, सांद लगेकर के व्यक्तित्व के आधार पर किसी अध्यापक के लिए आवश्यक जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालिए। सांद लगेकर के व्यक्तित्व के आधार पर, सांद लगेकर में कौन कौन सी विशेषताएं थी जो उनका उनके अध्यापक थे, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं थी, उसके आधार पर मुझे बताइए कि उनके व्यक्तित्व ने किस प्रकार से प्रभावित किया, उनके व्यक्तित्व के आधार पर किसी के लिए आवश्यक जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालो। किसी अध्यापक के लिए क्या ये मतलब आप ये सांचे? सौन लगेकर एक अध्यापक थी जो लेखक के गांव में मराठी पढ़ाया करते, वह कविताओं को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते थे और कथे में जो हो जाते थे उनके सुरीले कंठ से निकली कविता और भी सुरीली हो जाती थी। वह मराठी के अलावा अंग्रेजी कविता भी आती थी। यस, आगे बेटा। उनको मराठी के अलावा अंग्रेजी कविताएं भी वो सुनाते थे, और वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि मैं जिस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ वो भी किस प्रकार से अच्छे तरीके से कविताओं की लय गति और जो भी अच्छे अच्छे शब्दकोश उनको देते थे, शब्द बताते थे, अच्छे अच्छे पुस्तकें देते थे जिससे वो अपनी कविताओं को और भी अच्छा बना सके। तो इस प्रकार से वो ये चाहते थे कि ये बच्चा जो पढ़ने में इतना आगे हो रहा है, जो जिसमें एक सब कुछ जानने की इच्छा है, जिज्ञासु है, कुछ जानने का इच्छुक है, संघर्षशील है, उसको
क्यों ना मैं हर कदम पर आगे बढ़ाऊं जिससे कि ये कहीं उनसे भी आगे निकल जाए, कहीं मतलब वैसा ही एटलीस्ट कहीं वो वैसा तो सीखना और सिखाना शुरू कर दे। उसके अंदर लगन थी, उसके अंदर संघर्ष था, तो अध्यापक भी वैसा ही चाहते थे। ठीक है, तो ऐसा ही हर अध्यापक, मतलब कहने का अभिप्राय यह कि हर अध्यापक ऐसा ही चाहता है कि उसका छात्र, उसका जो शिष्य है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़े लिखे सीखे, बिल्कुल अपने विषय में पारंगत रूप से वो आगे बढ़े। हर अध्यापक की ये इच्छा होती है। और कवियों के बारे में जब वो सुनता था, उनसे सुनाने की कला, ध्वनि, चाल सीखने के बाद उसे लगा कि उसे अपने आप से लगने लगा लेखक को कि वो जिस प्रकार से अध्यापक लता बेल के ऊपर कविता लिख देते हैं, इसी प्रकार से मैं भी खेत में काम करते हुए भी हर चीज पर कविता लिख सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, दत्ताजी राव ने लेखक की पढ़ाई की समस्या का समाधान किस प्रकार से किया था? दत्ताजी राव ने लेखक की पढ़ाई की समस्या का समाधान किस प्रकार से किया था? बोलो बेटा, साधिका बोलो बेटा। मैम दत्ताजी ने क्या, हाँ बोलो बेटा, शाबाश। दत्ताजी ने कहा था कि पहले जब उनके पिताजी को ले गए थे, उनकी माँ और आनंद जी जब दत्ता जी के पास ले गए थे, तो उन्होंने उनके पिताजी से कहा था कि पहले तो आनंद स्कूल जाएगा, स्कूल में जाके पढ़ाई करेगा, फिर स्कूल से सीधा खेत पे जाकर खेती करेंगे और अपने पिता की मदद करेंगे। उन्होंने दत्ता जी राव ने, वो तो उनके पिता ने कहा था ना, दत्ता जी राव ने लेखक की पढ़ाई की समस्या का समाधान इस प्रकार किया कि उन्होंने जिस प्रकार से लेखक और उनकी माँ दोनों उनके पास गए और उन्होंने ये कहा कि हम आपके पास इस समस्या का समाधान कराने के लिए आए हैं, लेकिन आप इस बात की खबर इसके पिता को भी मत देना, तो उन्होंने वैसा ही स्वीकार किया। और जैसा कि रोजाना उनके पिता दत्ताजी राव के पास जाते थे, ऐसे ही गए, तो उस समय लेखक उनके पास पहुंचा, उन्होंने लेखक से पूछा कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तब लेखक ने बताया कि मैं पांचवी कक्षा में पढ़ता था लेकिन अब नहीं पढ़ता हूं। तब उन्होंने कहा कि आपने इसको पढ़ाई से क्यों हटाया है, ये बच्चा पढ़ेगा और अगर आप नहीं, तुम सारा दिन कोई काम नहीं करते हो और इसको खेती बाड़ी में लगाकर सारा दिन घूमते हो, और अगर तुम नहीं पढ़ा सकते इस बच्चे को, लेखक आनंद यादव को, तो इसकी पढ़ाई मैं करवाऊंगा। जब उन्होंने ऐसा कहा तब जाकर उनके पिता जो थे उसको पढ़ाने के लिए माने। ये था कि नहीं था, बोलो बोलो बेटा, ऐसा था ना? यस। नेक्स्ट देखिए, जूझ कहानी आज के किशोर किशोरियों को किन जीवन मूल्यों की महत्ता बताती है? आज के बच्चों को, अब आप आज के किशोर किशोरियां पढ़ रहे हैं इस पाठ को, हजारों लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको ये कहानी क्या, किस, कौन से जीवन मूल्यों की महत्ता बताती है? यस will tell me, बोलो दुष्यंत। जूझ कहानी आज के किशोर किशोरियों को कई जीवन मूल्यों की प्रेरणा दे सकती है। फर्स्ट, संघर्षशीलता। हाँ, संघर्षशीलता। संघर्षशीलता मतलब किसी भी काम को करने के लिए संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, और ये बहुत जरूरी है। जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो आज के बच्चे हैं, आज के जो किशोर किशोरियां हैं, वो क्या करते हैं, छोटा रास्ता चाहते हैं कि बस
यहाँ से नहीं तो यहाँ से, हम इधर से नहीं गए तो इधर से गए, हमारा काम तो हो ही जाएगा। और वो बिल्कुल थोड़े से समय में बिना संघर्ष के आज के बच्चे जो हैं वो सफलता पाना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं, कम से कम मेहनत करें, कम से कम संघर्ष करें। और जबकि जूझ कहानी का जो नायक है, जूझ कहानी के जो लेखक हैं, उनको हर स्टेप पर, हर कदम पर जीवन में संघर्ष करना पड़ा। और ये संघर्ष करने वाले को अच्छा लगता है कि मैंने अपना जीवन किस प्रकार से और बिताया, मैंने कैसे तरक्की की, कैसे उन्नति की। संघर्ष करने वाले को अच्छा लगता है, संघर्ष करते हुए जीवन का समय भी ऐसे बीतता है कि हमें किसी भी अगर दुख दर्द हमारे जीवन में आता है उसका भी पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे अंदर संघर्ष करने की शक्ति है, संघर्ष करने की ताकत है। अभी तक तो आप छोटे बच्चे हो, आपको अभी पेरेंट्स के बलबूते पर आप सब काम कर रहे हो, लेकिन जब खुद करना पड़ेगा तब भी तो जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। सब कुछ अप्स एंड डाउन्स जीवन में आते रहते हैं, कभी किसी तरह की, कभी किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती है, लेकिन संघर्ष करेंगे तो कोई भी समस्या हमारे सामने समस्या बनकर नहीं रहेगी, उसके समाधान अपने आप आते रहेंगे, जैसा कि लेखक के साथ हुआ। यस, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, दूरदर्शिता। यस, दूरदर्शिता जो दूर की सोचने वाला, जो आनंदा इस कहानी के नायक लेखक आनंदा, वो दूरदर्शी है, दूर की सोचने वाले हैं। वो अपनी दूरदर्शिता की ताकत पर ही, दूरदर्शिता के बल पर ही अपने पिता को राव साहब के पास भेजने में उन्होंने योजना बनाई, उसमें सफल हुए और तभी उनका पढ़ाई का रास्ता जो था वो खुला। वो उनको पता था कि उनके पिता को गुस्सा आ जाता है, पिता के गुस्से से बचते हुए और वो पढ़ाई को किसी तरीके से राजी कर लेते हैं, उनको मना लेते हैं और उनकी सारी शर्तों को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो दूरदर्शी नहीं है। आजकल के बच्चे क्या है, प्रेजेंट में ही है सिर्फ, वो फ्यूचर की नहीं सोचते। वो कहते हैं जो है अभी खा लो और मौज कर लो, सिर्फ प्रेजेंट में जीते हैं वो। कि पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ लिया तो उससे भी ज्यादा ठीक है। यहाँ जो लेखक है वो हमें सिखाते हैं कि आजकल के बच्चों को भी दूरदर्शी बनना चाहिए, संघर्षशील होना चाहिए और दूरदर्शी बनना चाहिए। अगर आप दूरदर्शी होंगे तो आप सोचेंगे ना कि मैं 12th करके किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ूंगा, अच्छी लाइन पकड़ूंगा और मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, तो मैं खूब पैसा कमा पाऊंगा अगर मैं अच्छा पढ़ गया। तो ये दूरदर्शिता तो और क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है परिश्रमशीलता। यहाँ इस कहानी के नायक हमें क्या सिखाते हैं, परिश्रम करना सिखाते हैं। कि जो आजकल के भी बच्चे हैं वो भी उनकी तरह ही परिश्रमी बने। जिस प्रकार से आनंदा हर कदम पर मेहनत करते हैं, उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ क्या खेती का भी काम किया, अपने पिता की भी सारी शर्तों को स्वीकार किया, उनको भी एक जगह भी नाराज नहीं किया और उन्होंने सफलता कमाई। इसी प्रकार से बच्चों को अगर आपको आज कोई पढ़ते हुए काम कह दिया जाए तो आप कहोगे ना, अच्छा फिर मैं पढ़ूं या ये काम करूं। लेकिन आनंदा ने पिता की बातों को भी स्वीकार किया, क्यों, क्योंकि उसे पढ़ना था, उसे पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, वो पढ़ाई के लिए सब कुछ सहन कर सकता था, इसलिए उसने सफलता पाई। नेक्स्ट है लगनशीलता। लगन थी उसके अंदर। अगर बेटा हमारे अंदर लगन है तो हम कितनी भी मुश्किलें आए उनका सामना करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। परिश्रम के अलावा किसी काम में सफलता पाने के लिए लगन का होना भी निश्चय है, डेडिकेट होना चाहिए किसी भी काम के। आनंदा कितने साल बाद, 1.5 साल बाद स्कूल जाता है और अपनी लगन से क्या किया उसने, कक्षा के होशियार बच्चों में वो गिना जाने लगा। नहीं तो वो सब कुछ भूल भुला जाता, उसके अंदर क्या थी, लगन थी। और आधुनिक किशोर किशोरियों को भी उसी प्रकार से यही सीखना चाहिए कि उनके अंदर लगन होनी चाहिए। अगर लगन होगी तो आप जीवन में कभी भी हार नहीं मान सकते, ठीक है बेटा। आज आपने इसके जूझ पाठ के कुछ प्रश्न किए और अपनी पुस्तिका में भी आप ये प्रश्न करेंगे और
इस लेसन को एक बार फिर दोबारा पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लेसन है। इसके जो भी कुछ आपने सीखा अपने जीवन में, इसको स्वीकार करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, कि जिससे आप भी आनंदा की तरह जीवन में सफलता, हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर सके। क्योंकि आप भी कम होशियार नहीं हो, बहुत होशियार बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। आज के किशोर किशोरियां तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही अच्छे हैं बच्चे, बस थोड़ी सी लगन, संघर्ष, परिश्रमशीलता और दूरदर्शिता अपने जीवन में अपनानी शुरू कर दीजिए। ओके बेटा, तो ये बेटा रिकॉर्डिंग स्टॉप।